सर आपका मुख्यमंत्री के रूप में हम इंटरव्यू कब करेंगे? मुख्यमंत्री के रूप में इंटरव्यू कब करेंगे? ऐसा है, किस पद पर कौन व्यक्ति को कहाँ इस्तेमाल करना है, ये जो कार्य क्षेत्र है ये कांग्रेस की लीडरशिप का है। और मुझे जब भी जिम्मेदारी दी है प्रदेश में, देश में, विधानसभा में, लोकसभा में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, राजस्थान सरकार में, जब जो मुझे कहा गया है मैंने पूरी ताकत के साथ उस जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। भविष्य में क्या होगा मैं भी नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार रिपीट हो। ये जो सम्मेलन हाईकमान के आदेश पे हो रहे हैं, हम सब जो काम करते हैं, कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ा परिवार है और राहुल गांधी जो चल रहे हैं वो किससे चल रहे हैं, वो देश को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए, और हम सब कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलकर। सर पेपर के लिए आपने भी सभा में कहा था कि जादूगरी हो गई। मैंने कहा था जो मैंने कहा कह दिया है, उसके अलावा सर जादूगरी हो गई तो राजस्थान में जादूगर है। मैंने जो कहा था वो स्टेटमेंट मेरा ऐसा है, ये बहुत गंभीर विषय है और मुझे लगता है इसमें किसी को भी और सब व्यक्ति चाहे कोई पक्ष कोई भी हो, इतने सारे नौजवान हमारे हैं, उनका विश्वास व्यवस्था में भविष्य के लिए कायम रहे, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। लाखों लाख बच्चे अगर अपने आप को कहीं ठहराव महसूस करते हैं या उनको लगता है न्याय नहीं मिल पा रहा है या उनको लगता है कि आगे हम किस बेसिस पे विश्वास करें, तो वो बहुत बड़ा इशू है। वो सिर्फ एक व्यक्ति, एक पार्टी, एक राज्य, एक सरकार का नहीं, समाज का बहुत बड़ा बड़ा इशू है। और मैंने कहा ना जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनकी तो पीड़ा और ज़्यादा है, उनको कैसे हम कॉन्फिडेंस दें कि ये अवसर पैदा होंगे एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के, ये बहुत बड़ा इशू है। और हमेशा मुझे लगता है जो भी काम हो पारदर्शिता होना चाहिए और संतोषजनक। कार्यकर्ताओं के मान सम्मान की बात करते हैं, बसपा के से कांग्रेस में आए विधायक है वो भी अभी तक कह रहे थे लास्ट टाइम तक कि हमारा सम्मान नहीं हुआ, तो क्या लगता है कि अभी भी सम्मान कहीं ना कहीं बाकी है? तो आप सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं, कार्यकर्ताओं की बात करें तो उनका मान सम्मान तो कह रहा हूँ भाई, हर कार्यकर्ता को पद नहीं चाहिए और हर एक को पद दे भी नहीं सकते, हम ही सब जानते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता तो लाखों हैं, करोड़ों होंगे, लेकिन उन कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उनकी भागीदारी, उनकी सलाह मशवरा, उनको इन्वॉल्वमेंट जो है सरकार में, नीति निर्माण में, छोटे मोटे कामों के अंदर, वो एक जब मिलता है तो कार्यकर्ता को और कुछ नहीं चाहिए। कईयों को तो सिर्फ मान सम्मान के भूखे हैं, पद पोस्ट भी छोड़ दीजिए आप। अब 4 साल हो गए हैं, नियुक्तियां बहुत सारी हुई हैं, हम सब ने देखा है, उसमें कुछ लोगों को मौके मिले हैं, लेकिन हम और कर सकते हैं ऐसा मैं मानता हूँ। और अधिकारियों पर आपने उठाया कि 5 बजे रिटायर होते हैं, मैंने कहा कि किसान जो सम्मेलन आप कर रहे हैं इससे कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं, आप कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? भैया तो सब अपने अपने दायरे में, जिसका जितना क्षमता है, जितनी जिसकी ताकत है, जितना जो कर सकता है, थोड़ा कुछ ज़्यादा, सब मिलकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें कोई ब्लॉक, जिला, प्रदेश, AICC सब, राहुल जी लगे हैं, प्रियंका जी लगे हैं, खड़गे साहब लगे हुए हैं, हम सब लगे हुए हैं।